यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रेव पार्टी में सांप का जहर परोसने के मामले में पुलिस ने आज ही उनकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि फॉरेंसिक जांच में इस बात का पता चला कि जिस जहर का नमूना लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था वो कोबरा का ही था और पिछले साल 2 नवंबर को नोएडा में हुई एक रेव पार्टी के लिए कोबरा के इसी जहर को लाया गया था। इसलिए जब एल्विश यादव अपने जवाब से नोएडा पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस की टीम ने एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जब एल्विश यादव पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे तो वो बेफिक्र नजर आए, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। बड़ी बात यह है कि एल्विश खुद को लगातार निर्दोष बताते आए हैं, जबकि 2 नवंबर को हुई छापेमारी के दौरान पकड़े गए सपेरों ने पुलिस को बताया था कि एल्विश यादव के कहने पर पार्टियों के लिए सांप लाए जाते हैं। पुलिस ने सबूत के तौर पर आरोपियों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 अजगर, 2 रेड सैंड बोआ सांप और 1 घोड़ा पछाड़ा सांप भी बरामद किया था। इस्लामोफोबिया के नाम पर पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर भारत को बदनाम करने की साजिश रची। दरअसल मुस्लिमों पर जुल्म करने वाले चीन की मदद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया। पर भारत को बदनाम करने की सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले इस्लामोफोबिया की आड़ में CAA और राम मंदिर का भी जिक्र किया, लेकिन मजहबी कट्टरता के पैरोकार पाकिस्तान और धार्मिक आजादी छीनने वाले मुल्क चीन की इस साजिश का UN में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने भंडा फोड़ कर दिया। रुचिरा काम्बोज ने सबसे पहले दोनों देशों, खासकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। यही नहीं, जिस तरह चीन ने बौद्ध धर्म के मानने वालों पर अत्याचार किए, मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में डाला, उन सबका उदाहरण देते हुए भारत ने पाकिस्तान और उसके आका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने UN में पाकिस्तान और चीन की जमकर धुलाई की, लेकिन ये दोनों मुल्क शायद ही अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या भारत की तरक्की है, जिसे देखकर ये जल भुन रहे हैं। समुद्र में एक बार फिर भारतीय नौसेना देवदूत बनकर आई और डाकुओं से जहाज को छुड़ा लिया। इस बार नौसेना ने 2 दिनों में 2 जहाजों को लुटेरों से आजाद कराया। इनमें से एक कार्रवाई में तो डाकुओं ने सेना पर गोलियां भी बरसाई। पिछले साल दिसंबर में सोमालिया के लुटेरों ने माल्टा के जहाज को अगवा कर लिया था। अब वो इसका इस्तेमाल दूसरे जहाजों को लूटने के लिए करते थे, मगर 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने उस जहाज को खोज निकाला। जहाज के करीब पहुंचने पर लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग भी की, मगर सेना ने लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2 दिन पहले 14 मार्च को भी अरब सागर में नौसेना का पराक्रम दिखा। कोयले से भरे बांग्लादेशी जहाज को नेवी ने लुटेरों से आजाद कराया। नेवी को जहाज के अगवा होने की सूचना मिली, फिर काफी खोजबीन के बाद 12 मार्च को जहाज की लोकेशन मिली। फिर क्रू के सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और 14 मार्च को जहाज मिल गया। 2024 में अब तक करीब 3 बार भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से व्यापारिक जहाजों को बचाया है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनका परिवार दुखी था, लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला के घर में किलकारियां गूंजी हैं। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बच्चे का चेहरा दिखाते हुए ये खुशखबरी सिद्धू मूसेवाला के फैंस के साथ शेयर की और सोशल मीडिया पर लिखा कि शुभदीप को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से शुभदीप के छोटे भाई का जन्म हुआ है। इस पोस्ट पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाला के फैंस तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि सिद्धू इज बैक, यानी हमारे सिद्धू लौट आए हैं और ये सब कुछ IVF तकनीक से ही संभव हो पाया है, क्योंकि IVF तकनीक के जरिए ही चरण कौर 58 साल की उम्र में मां बन पाई हैं। दिल्ली में एम्स ने इतिहास रच दिया है। आपको पता है कि शरीर में 2 किडनी होती है, एक बाईं तरफ और दूसरी दाहिनी तरफ, लेकिन दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने 51 साल की एक महिला में एक ही तरफ दोनों किडनी लगाकर इतिहास रच दिया। दरअसल 51 साल की यह महिला पिछले कई महीनों से एम्स में अपना इलाज करा रही थी। इसकी दोनों किडनी बेकार हो चुकी थी और महिला लगातार डायलिसिस पर चल रही थी। इस बीच एम्स ट्रॉमा सेंटर में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला को एडमिट कराया गया, जो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन उस महिला की जान नहीं बचाई जा सकी और उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। महिला के परिवार वालों ने अंगदान का फैसला किया। महिला की उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि उनकी एक किडनी किसी को लगाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक किडनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए 19 दिसंबर 2023 को 78 वर्ष की बुजुर्ग महिला की दोनों किडनीज निकाली गईं। 21 दिसंबर को एम्स के डॉक्टरों ने डायलिसिस पर चल रही 51 साल की महिला में दाहिनी तरफ एक साथ दोनों किडनी लगा दी।
आमतौर पर अंग प्रत्यारोपण के लिए कई मरीज सालों तक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर किडनी बेकार नहीं करना चाहते थे, तो ये तरकीब आजमा कर देखी गई। अब महिला ठीक है, उसके शरीर में दोनों किडनी दाहिनी तरफ लगी हुई है और ठीक काम कर रही है। आइसलैंड में बीते दिनों आए भूकंप के बाद अब ज्वालामुखी विस्फोट ने दहशत पैदा कर दी है। ज्वालामुखी फटने के बाद लावा पूरे इलाके में फैल गया, साथ ही आसमान में धुएं का लाल गुबार भी देखने को मिला। आइसलैंड के रिग्जेंस प्रायद्वीप में शनिवार को भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हेलीकॉप्टर से लिए गए वीडियो में लावा जमीन को चीर कर दूर दूर तक फैलता नजर आया। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने से जमीन के अंदर 2.9 किलोमीटर लंबी दरार बन गई है, जिसके अंदर से प्रति सेकंड लगभग 100 से 200 क्यूबिक मीटर लावा निकलने लगा। वहीं हेलीकॉप्टर से लिए गए एक दूसरे वीडियो में दिखा कि लावा जमीन से निकला और फिर पूरे इलाके में फैल गया। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी का लावा ग्रिंडाविक शहर तक पहुंच गया, जिसको देखते हुए आइसलैंड में आपातकाल लगा दिया गया और पूरे शहर को खाली करा लिया गया। सोना आपकी त्वचा को वायु प्रदूषण से बचा सकता है। साइंस जर्नल एल्जेवियर में प्रकाशित एक ताजा रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर सौंदर्य प्रसाधनों में सोने का रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो सोने के सूक्ष्म कण PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों को त्वचा पर टिकने नहीं देते। सोने के नैनो कणों से लैस सौंदर्य उत्पाद त्वचा की कोशिकाओं को प्रदूषण से बचाते हैं। सोने के नैनो कण त्वचा का रूखापन खत्म करते हैं, जिससे छिद्रों में नमी बनी रहती है। स्वर्ण के नैनो कण कई कोशिकाओं का निर्माण करने में भी सक्षम है। कोलेजन प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया तेज होने से त्वचा का लचीलापन बढ़ता है। इतना ही नहीं, सोना सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों और धूम्रपान से त्वचा पर पड़ने वाले असर को भी कम कर सकता है।